नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर लेवल का हिंदी का प्रश्न पत्र हल लेकर आई हूँ। ये प्रश्न पत्र 2016 में हुआ था। ये तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि हिंदी में जो सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका विश्लेषण करेंगे कि हमें अपनी आगे की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो देखते हैं, सीटेट में जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पद्य आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये पूरा पद्य दिया है और इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर बाल जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना समर्पण। तो आइए देखते हैं कि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें से चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कथन में कुछ और से तात्पर्य कुछ ऐसा दिया जाए, इसका उत्तर होगा तीसरा, जो बलिदान से भी बढ़कर हो। अकिंचन का अर्थ, तो इसका उत्तर होगा दूसरा, अति निर्धन। आगे देखते हैं, बलिदान शब्द का विशेषण होगा बलिदानी। माँ संबोधन के लिए किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है मातृभूमि के लिए। कवि निवेदन कर रहा है कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, मातृभूमि का ऋण चुकाने का अवसर मिले। नीड़ का कणकण समर्पित, या नीड़ का क्या आशय, यहाँ पर नीड़ का आशय होता है घर परिवार। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग करेंगे, यहाँ पर भाषा शिक्षण के क्वेश्चन शुरू हो गए। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना भी उपयोग होते देखेंगे, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनका समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने का अवसर मिलते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, यह सहज होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, अनुमान के साथ भाव ग्रहण अगर किया जा रहा है तो ये समझा जाना चाहिए कि पठन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यपुस्तक में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से भी परिचित कराया जाए, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, बच्चों की सशक्त लेखन की क्षमता का परिचायक होता है मौलिक विचार, तो इसका होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरों और लोकोक्तियों को सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, तो इसका इसका उत्तर होगा पहला, मुक्त अंत वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती, ऐसा करने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उत्तर होगा पहला, उनके शब्द भंडार का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देख कर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, ये क्या है, ये है दूसरा, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव होता है, इसका ऑप्शन होगा दूसरा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर होगा चौथा, बच्चों को सुनने और बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। भोजपुरी मोना शाह को सा और रा कोड़ा बोलती है, इसमें इसका सर्वाधिक संभावित कारण है, तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण है चौथा, मातृभाषा का व्याघात। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कहती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके, इसका उत्तर होगा तीसरा, उच्च प्राथमिक स्तर के पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों का आकलन करने के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर होगा तीसरा, संदर्भ में व्याकरण समझना। अगला क्वेश्चन है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय अपने आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें, आपके कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टि बाधित है, आप उसे इसका ऑप्शन होगा चौथा,
प्रश्न में उसी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमताओं को आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। अभी तक यहाँ पर आपने देखा है, पहले एक पद्य आधारित क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद में भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आ गए थे। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एक गद्यांश के आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है। आगे इसके क्वेश्चंस है, तिरुवल्लुवर में और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन पहला, ये ऑप्शन होगा ए बी सी। जन्म के बाद माता पिता द्वारा त्याग देना, एक छंद से छंद में कविता करना और जुलाही का व्यवसाय करना, ये तीनों में सेम था। नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार में तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले, इसका ऑप्शन होगा चौथा, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर उनके विचार बदले। ईश्वर भक्ति का शब्द विग्रह और समास होगा, तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, ईश्वर की भक्ति यानी तत्पुरुष समास। किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है, इसका उत्तर होगा चौथा, झूठ का त्याग देने पर किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः है, तो इसमें इसका ऑप्शन होगा पहला, स्नेह तत्सम और जतन तद्भव शब्द है। यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा, इसका ऑप्शन होगा चौथा, लगभग 500 ईसा पूर्व। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है, इसका ऑप्शन होगा तीसरा, मन से पवित्र होना। अगला ऑप्शन, तमिल में किस प्रदेश की भाषा है, तो ये तमिलनाडु की भाषा है, इसका ऑप्शन होगा तीसरा। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध एलाल का तिरुवल्लुवर से था, तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। दोस्तों ये था हिंदी का प्रश्न पत्र सी टेट का जूनियर लेवल का। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न तो गद्य और पद्य से आधारित पूछे गए हैं, शेष अधिकांशतः जो पूछे गए हैं वो भाषा विज्ञान से पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी पकड़ कहाँ मजबूत करनी है और किस तरह से सी टेट के पेपर की तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपकी तैयारी में आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे और जल्द ही आपको हिंदी भाषा विज्ञान के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।